अब नेक्स्ट टॉपिक इज आर एस कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट. व्हाट दिस आर इज, आर इज कॉल्ड रेडिक्स और आर माइनस वन इज डेमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट. हम नंबरिंग सिस्टम कौन से यूज कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हो लाइक बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल. तो किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस है, आर क्या है? बेस. बेस बाइनरी में आर की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 2. डेसिमल में आर विल बी 10, ऑक्टेल में आर 8 होगा और हेक्साडेसिमल में आर की वैल्यू 16 होगी. तो आर को हम कहेंगे रेडिक्स. ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, फॉर्मूला होगा आर टू द पावर एन, डेसिमल में नंबर निकालें, माइनस एन. सो टू फाइंड आउट द आर एस कॉम्प्लीमेंट वी विल यूज दिस फॉर्मूला आर एस कॉम्प्लीमेंट के लिए. और आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? आर टू द पावर एन 10 माइनस 1, राइट. और इसमें से आप n माइनस n. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट n इज, व्हाट कैपिटल n इज. r इज रेडिक्स, n इज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो वैल्यू, और कैपिटल n इज द नंबर जिसका आप आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, राइट. तो अब आप इसको क्या करेंगे? बाइनरी में हम निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, और डेसिमल में हम निकालेंगे 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट. इसके लिए शॉर्टकट मेथड भी है वैसे, बट मोस्टली वी विल यूज फॉर्मूला. शॉर्टकट मेथड क्या होती है? जैसे आपको 1s कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का निकालना है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट में आप उसकी जो भी नंबर है उसकी सारी बिट को फ्लिप कर दो, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो. दिस इज वन वे, दिस इज शॉर्टकट मेथड. सेम वे 2s में हम क्या करते हैं? 1s कॉम्प्लीमेंट को आप LSB से पूरा ट्रैवर्स करो, लुक फॉर 0. We flip all 1s change to 0 until we find a 0. So finally we flip 0 also. This is one another way. Either use the formula or use this method to get the 1s complement and 2s complement. Now we'll practice with some example. Example ले लेते हैं. Suppose आपका कोई binary number है. That number is 10100101. We can take any of the number, right? अब इसका आपको binary लेना है तो 1s complement निकालना, तो हमने क्या बोला? शॉर्टकट मेथड में आप सिंपली फ्लिप कर दो. सो दिस 1 विल बी 0, 0 विल बी 1, नेक्स्ट 1 इज 0, 1, 1, दिस 1 विल बिकम 0, 0 विल बिकम 1, 1 विल बिकम 0. सो दिस इज योर 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर. 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक मेथड जो हमने बताया, उसके अलावा यदि हम इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड कर दें, सो 1 1 0 1 1 0 1 0, दिस इज अनदर वे 2s कॉम्प्लीमेंट. एक मेथड आपका ये है, इस तरह से आप 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं. दूसरा मेथड है जिसमें हम किसी भी नंबर का 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. फॉर दिस वी विल अज्यूम अ नंबर. लेट योर नंबर इज 1 0 1 1 0 0 0 2. आपको इसका क्या निकालना है? 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट. हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है? r टू द पावर n, r टू द पावर n बेस 10 माइनस 1 माइनस दैट नंबर. तो इसके लिए कितनी, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आर देयर. 7 डिजिट्स है, तो आपका रेडिक्स क्या है? r इज 2, तो 2 रेस्ट टू द पावर स्मॉल n, दैट इज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर. यहाँ पे लिखा 7 बेस 10 माइनस 1, और इसके बाद आप क्या करेंगे? इसमें से कौन सा नंबर माइनस कर देंगे जिसको आप कन्वर्ट करना है, दैट इज योर n. 2 टू द पावर 7 कितना होगा? इट विल बिकम 128, इट इज इन डेसिमल, राइट, माइनस 1 माइनस n, राइट. तो ये दिस विल बिकम 127 माइनस n. 127 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1, 7 टाइम्स 1 माइनस, आपको क्या करना है? इसको माइनस कर देना है, 1 0 1 1 0 0 0. यू नो व्हाट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन. बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आप इस नंबर को इसमें से माइनस करिए, सो योर रिजल्टेंट नंबर इज 1 1 1 1 माइनस 1 इज 0 1 माइनस 1 इज 0 1 माइनस 0 इज 1 1 माइनस 1 इज 0.
So this is your equivalent 1s complement notation. जब हम माइनस वन कर रहे हैं तो 1s complement, और जब हम माइनस वन नहीं करेंगे, this is the formula for r minus 1s. तो binary का 2 minus 1, 1s. तो 1s complement के लिए हम ये वाला formula use करेंगे, और 2s complement के लिए हम क्या करेंगे, we will use this formula. So everything will remain the same. 2 to the power 7, it will become 128. 128 का आप equivalent binary लिख लीजिए और उसमें से इसको subtract कर दीजिए. Subtraction rule will remain the same and then you will get the result. Okay, so that will become the 2s complement. Likewise, यदि हम decimal numbering system में काम कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी decimal number का 9s complement और 10s complement निकालना. Again, we'll use the same formula. Let assume your number is 155. This number is in decimal. Okay? तो अब इसमें कितनी डिजिट है, तीन डिजिट है. RS complement मतलब यदि हमें 10s complement निकालना है तो we'll use this formula. Radix कितना है, 10. Digit कितनी है, 3. Okay? इसको minus n क्या है, 155. So this is very simple. 1000 minus 155. All of you are very much familiar with decimal numbering system. इसमें से इसको subtract कर दीजिए. This is your 10s complement. Okay? और 9s complement निकालना होता तो हम क्या करते, 10 to the power 3 minus 1. So that it is 10s complement. For 9s complement, we'll use this formula. तो 9s complement में क्या आएगा, 10 to the power 3 minus 1. So it will become 999 minus 155. So your result is 844. Right? So this is your equivalent number in 9s complement.